एपिसोड के शुरू में चॉपर को दिखाया जाता है जो लूफी के लिए दवाई बना रहा होता है, जिसे देखकर अलूपराना के महल का एक डॉक्टर बोलता है कि तुम तो सच में कमाल की दवाई बनाते हो। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुमने ये कहाँ से सीखा। पीछे से मिस फीवी उस डॉक्टर से बोलती हैं कि चॉपर ड्रामालैंड के डॉक्टर में से एक है, जिसे सुनकर वो डॉक्टर बोलता है कि ड्रामालैंड तो वही आइलैंड है जो अपने कमाल के डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है। और इसके बाद वो चॉपर से बोलता है कि तुम तो सच में एक कमाल के डॉक्टर हो, जिसे सुनकर चॉपर उस डॉक्टर से बोलता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग अलूपराना को सही करने में लगे होते हैं, जिसे देखकर उस ऑप शांची से बोलता है कि ये कंची तो काफी ज्यादा अच्छी है। शांची उस ऑप से बोलता है कि तुमने सही बोला, क्योंकि यहाँ की प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ लोग एक होल को देखकर बोलते हैं कि पता नहीं ये होल यहाँ पर किसने कर दिया है, जिसे देखकर शांजी को याद आता है कि ये होल तो उसी ने करा था ताकि वो महल पर जा सके। और इसे याद करने के बाद वो शॉप से बोलता है कि अब हमें यहाँ से महल के अंदर चलना चाहिए। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, और अगर मैं ताकतवर होता तो मैं मिस्टर वन को हराने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चक्का नेवी ऑफिसर से बोलता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी पायरेट नहीं है, जिसे सुनकर नेवी ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर वो पायरेट्स यहाँ पर हुए तो वो तुम्हारी कंट्री को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर उस ऑपर शांजी नेवी के पास से निकलते हैं, जिन्हें देखकर चक्का नेवी ऑफिसर से बोलता है कि इन दोनों के मासूम चेहरे को देखो, क्या तुम्हें इन्हें देखकर ये लगता है कि ये कोई खतरनाक पायरेट हैं, जिसे सुनकर नेवी ऑफिसर्स बोलते हैं कि शायद तुम ठीक बोल रहे हो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो सोकर उठ गया होता है, और वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे मेरी हेड कहाँ पर है, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि वो तुम्हारे पास ही पड़ी है। और इसके बाद वो बोलता है कि एक सैनिक को ये बाहर पड़ी मिली थी, जिसे देख कर लूफी बोलता है कि अब ठीक है। पीछे से वीवी लूफी से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तो पहले से ही ठीक था। नामी लूफी को बताती है कि क्रोकोडाइल को हराने के बाद तुम काफी ज्यादा थक चुके थे, और इसलिए चॉपर ने तुम्हारे लिए दवाई बनाई, और उसी की वजह से तुम 3 दिन बाद जगे हो, जिसे सुनकर लूफी चॉपर से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए दवाई बनाने के लिए। तभी पीछे से वहाँ पर जोरो आ जाता है, जिसे देखकर चॉपर जोरो से बोलता है कि क्या तुम ट्रेनिंग करने गए थे। जोरो चॉपर से बोलता है कि तुम्हें इस चीज से क्या मतलब है कि मैं ट्रेनिंग करने गया था या फिर नहीं। चॉपर जोरो से बोलता है कि मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं इस शिप का डॉक्टर हूँ और तुम सबकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। यहाँ पर लूफी सब लोगों से बोलता है कि अभी मुझे याद आया कि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। तभी पीछे से वहाँ पर इग्राम की वाइफ आ जाती है, जो सब लोगों से बोलती है कि मैं तुम सबके लिए ये फ्रूट्स लाई हूँ। और इसके बाद वो लूफी से बोलती है कि मैंने सुना कि तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो। यहाँ पर लूफी उन फ्रूट्स को देखकर एक ही सेकंड में सब कुछ खा लेता है। और इसके बाद वो इग्राम की वाइफ से बोलता है कि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। इग्राम की वाइफ लूफी से बोलती है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर लूफी बहुत तेजी से खाना खा रहा होता है, और साथ ही वो और सब लोगों का भी खाना खाने लगता है, जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि कैप्टन उसॉप का खाना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहने के बाद वो अपने खाने में बहुत सारी मिर्ची डाल देता है, जिसकी वजह से जब लूफी उसका खाना खाता है तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है, जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि कैप्टन उसॉप से पंगा मत लो। मिस फीवी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर हंसने लगती है, और बाकी सब लोग भी उनकी हरकतें देखकर हंसने लगती हैं। और इसके कुछ देर बाद खाने की जगह सर्कस में बदल जाती है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स नहाने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर लूफी और उसॉप जोरो से बोलते हैं कि देखो हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती।
यहाँ पर शांजी इग्राम से बोलता है कि वैसे वो लड़कियाँ कहाँ पर हैं। इग्राम शांजी से बोलता है कि मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा, जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि तुम तो नाराज हो गए। पीछे से कोबरा बोलता है कि वो दोनों यहाँ पर हैं, जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि किंग आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर यहाँ पर नामी और वीवी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वीवी नामी से बोलती है कि जब भी हम एक साथ रहे हमने बहुत ज्यादा मजे करे। तभी पीछे से सबके सब उन दोनों को पीछे से देखने लगते हैं, जिसे देखकर नामी बोलती है कि क्या तुम कुछ देखना चाहते हो, और ये कहने के बाद वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से सबके सब लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर नामी वीवी से बोलती है कि शायद हमें आज रात यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रुकने के लिए हमारे पास कोई भी वजह नहीं है, और वैसे भी नेवी हमें पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें कुछ भी करके रात में ही यहाँ से निकलना होगा। फिर यहाँ पर कोबरा को दिखाया जाता है, जो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया, और ये कहने के बाद वो सबके नीचे झुक जाता है, जिसे देखकर जोरो कोबरा से बोलता है कि एक राजा के लिए ऐसे झुकना शोभा नहीं करता। कोबरा स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि जब हमारी कंट्री कुछ भी नहीं कर पाई तो वो सब तुम ही थे जिसने हमारी कंट्री को बचाया था, इसलिए मैं तुम सबको अपने दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना नेवी हमें पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें रात में ही अपनी शिप पर जाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। फिर यहाँ पर इग्राम और चक्का को दिखाया जाता है, जहाँ पर इग्राम बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट अलबस्ता से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब सोरो पर 60 मिलियन बैरीज और लूफी पर 100 मिलियन बैरीज की बाउंटी है, और वैसे भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने क्रोकोडाइल को हराया था, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का वॉरलॉर्ड का मेंबर है, इसलिए वो सब यहाँ पर एक्शन लेंगे और यहाँ पर अपनी बहुत सारी नेवी को भेजेंगे ताकि वो उन सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को पकड़ सके। और इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हमें ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बताना होगा, और ये कहने के बाद वो वीवी के रूम की तरफ जाने लगता है, पर वहाँ पर वीवी के अलावा कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर इग्राम वीवी से बोलता है कि बाकी सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कहाँ पर गए। वीवी इग्राम से बोलती है कि वो सब यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि नेवी उनके रास्ते में आए। इग्राम वीवी से बोलता है कि मुझे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ये पहले ही बता देना चाहिए था कि उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा खतरा आ चुका है। फिर यहाँ पर हिना को दिखाया जाता है, जो नेवी ऑफिसर से बोलती है कि चाहे स्मोकर उन स्ट्रॉ हैट को पकड़े या फिर नहीं, पर हम सबको उन्हें पकड़ना होगा। पीछे से एक नेवी ऑफिसर हिना से बोलता है कि पहले तो हमने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का शिप इलुब्राना में देखा था, पर अब वो वहाँ पर नहीं है, शायद उसे पहले ही कोई वहाँ से ले गया है। जिसे सुनकर हिना बोलती है कि जाओ और जाकर किसी भी हालत में उनकी शिप को ढूंढो। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीवी इग्राम से बोलती है कि चिंता मत करो, क्योंकि वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे कि उनकी बाउंटी अब बढ़ गई है, और ये कहने के बाद वो बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ। जिसे सुनकर इग्राम वीवी से बोलता है कि क्या आपको याद है कि कल आपको अलबस्ता के लोगों के सामने स्पीच देनी है। वीवी इग्राम से बोलती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, और ये कहने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, और इसके बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को याद करते हुए बोलती है कि सब जा चुके हैं। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉनचेन नाम के एक आदमी का कॉल आया होता है, जो बोलता है कि मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का दोस्त हूँ। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मिस्टर टू हो, और इसके बाद वो उससे बोलता है कि बताओ तुम्हें हमसे क्या काम है। मिस्टर टू लूफी से बोलता है कि मुझे मिस्टर टू के नाम से मत बुलाओ, क्योंकि मेरा नाम बॉनचेन है, और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारी शिप को संदोरा रिवर के पास ले आया हूँ, जल्दी से वहाँ पर आ जाओ नेवी के वहाँ पर पहुँचने से पहले। पीछे से वीवी सब स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलती है कि क्या तुम सब अब जा रहे हो। स्ट्रॉ हैट पायरेट मिस वीवी से बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ समुद्र में जा सकती हो, और अगर तुम हमारी तरह पायरेट बनोगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अभी हम मिस्टर टू से अपनी शिप को लेकर
कल दोपहर तक हार्बर में पहुंच जाएंगे और वहां पर अगर तुम चाहो तो हमारे साथ एक पायरेट बन सकती हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पूरे के पूरे अल्बस्ता में नेवी फैली हुई है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हो सकता है कि हम वहां पर बस आखिरी बार मिलें। और ये कहने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी बोलती है कि कल मैं हार्बर पर तो जाऊंगी पर क्या मुझे एक पायरेट बनना चाहिए या फिर नहीं। फिर यहाँ पर संदोरा रिवर में मिस्टर टू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, जिसे सुनकर लूफी मिस्टर टू से बोलता है कि हम दोस्त नहीं हैं क्योंकि तुम बरुकवर्क में से एक हो। मिस्टर टू बोलता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है इसलिए अब मैं मिस्टर टू नहीं रहा बल्कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। लूफी मिस्टर टू से बोलता है कि अगर तुम हमारे दोस्त हो तो तुम इलुबराना से हमारी शिप को यहाँ पर क्यों लाए हो। मिस्टर टू लूफी से बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नेवी तुम्हारी शिप को ले जाती, जिसे सुनकर लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि पर तुमने हमारी शिप को क्यों बचाया। मिस्टर टू स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसे सुनकर वो चारों वापस से दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हम ये दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ेंगे। फिर यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो हिना से बोलता है कि हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप मिल गया है। हिना ये सुनकर बोलती है कि जाओ और जाकर उन सब पर हमला करने की तैयारी करो।